जनपद सुल्तानपुर के लमुआ थाना क्षेत्र के सैतापुर सराय में गोली चलने से 5 लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा मामला लमुआ कोतवाली क्षेत्र के सैतापुर सराय गांव का है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश में चली गोली से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सुल्तानपुर से तकी मेहदी की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा? राम सिंह। क्या हुआ है? गोली मार दी भैया। कौन? आलोक और मूलचंद। क्यों? आना यार बाबू झगड़ा कह रहे हैं, वो कह रहे साथ में आ रहा है, कल सारे इकट्ठा चला काम रहा, अब वो का देख लिया भाई, मैंने गोली लिया गंभीर मेरे। कई लोग घायल हैं इसमें? अरे अब हम अपने यहाँ नहीं केका केका बताई है, हमें जब लाग गए हम गिर करे, अब कई जने का लाग बजे कर देखा लाग हो, अब हम का बताइए। कितने लोग थे मारने में? हाँ कितने लोग? अरे जुटा तो देर रह गाँव देर से हल्ला रही झगड़ा, लेकिन दुई मिले गोली भी आ रहे हैं। ग्राम सैतापुर सराय थाना लम्बुआ में पूर्व ग्राम प्रधान श्यामलाल सरोज और मूलचंद सरोज में इन सबों में पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन आज इसमें एक बैग इनके घर के सामने विवाद हो गया। इस बात को लेकर के श्यामलाल सरोज अपने घर में घुस गया और 12 बोर के कट्टे से फायर करने लगा, जिसमें से गाँव के 5 आदमी घायल हो गए और घायलों को तत्काल यहाँ से जिला अस्पताल भेजा गया है, और इसके श्यामलाल और उसके बेटे को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।